हे गाइज, अगर आप भी स्टाइलिश फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हो हिंदी में या फिर इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में आप स्टाइलिश फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप स्टाइलिश फॉन्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में। ठीक है दोस्तों, क्रोम ब्राउजर को करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन होता है। तो दोस्तों, यहां पर सर्च बार में आपको लिखना है गूगल फॉन्ट। ठीक है दोस्तों, अब करना है इसको सर्च। सर्च करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन हुआ है। तो दोस्तों, ऊपर ही ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गूगल फॉन्ट्स का। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूं। इस पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए, हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको मैं और दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है, लैंग्वेज दे रखी है और फॉन्ट प्रॉपर्टीज दे रखी है। तो दोस्तों, आप जिस भी लैंग्वेज में फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हो स्टाइलिश, उस लैंग्वेज को आपको यहाँ पर चूज करना है। पहले यहाँ पर मैं देखिए दिखा देता हूँ आपको अलग अलग फॉन्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे और फॉन्ट है नीचे की तरफ। अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आप हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हो स्टाइलिश फॉन्ट, तो यहाँ से आपको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको हिंदी में एक स्टाइलिश फॉन्ट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाना है। यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ मैं दोस्तों आपको, आप अगर हिंदी में स्टाइलिश फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये जो देवनागरी लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, हमारे सामने जो फॉन्ट आ रहे हैं वो हिंदी में आ रहे हैं। अब आपके सामने ये जो भी फॉन्ट आ रहे हैं, इसमें से आप कोई भी स्टाइलिश फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरा फेवरेट फॉन्ट है, वो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा सर्च फॉन्ट्स, इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें सर्च पर लिखता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अमिता फॉन्ट्स, तो ये मेरा एक फेवरेट फॉन्ट्स है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम नीचे चलकर देखते हैं। तो देखिए, ये आ गया अमिता फॉन्ट्स। तो ये मैं फॉन्ट आपको डाउनलोड करके देता हूँ। तो इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसके दो फॉन्ट दे रखे हैं, एक तो रेगुलर और एक बोल्ड। ठीक है दोस्तों, तो आप जो भी फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हो, उसके जो सामने प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं ये बोल्ड वाला जो फॉन्ट है, वो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे प्लस वाला क्लिक है, इस पर डाउनलोड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको ऊपर की ओर जाना है, और ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो देखिए, ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, हमारे सामने ये एक पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है अमिता बोल्ड 700। ठीक है दोस्तों, ये फॉन्ट डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक डाउनलोड ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, मैंने ये पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे आ गया डाउनलोड फाइल अगेन, यानी कि ये पूछ रहा दोबारा आप फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप जो भी हिंदी या इंग्लिश में जो भी फॉन्ट स्टाइलिश फॉन्ट है वो डाउनलोड करना चाहते हो, तो इस तरह कर सकते हो। ठीक है दोस्तों,